पांच राज्यों के नतीजों के ठीक पहले आज विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक को बीजेपी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बैठक से ठीक पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बहुत जरूरी है। हालांकि खबर ये भी है कि बैठक से पहले ही महागठबंधन के साथियों की एकजुटता कमजोर हुई है। महागठबंधन के कुछ बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। गठबंधन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा है जिसके पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है, तो ये गाड़ी कहाँ गिरेगी, किस गढ़ में गिरेगी, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दल मिले और दिल ना मिले तो उसका हश्र होता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम अलायंस करके तन्हा रह गए। और ये जो चंद्रबाबू जी ने मीटिंग बुलवाई है वो है गठबंधन को अब 11 तारीख के नतीजों के बाद एक किस तरह से जनता ने स्वीकारा है गठबंधन को या साथियों को मिलकर चलने के, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को रिजेक्ट किया है। विपक्षी दलों की बैठक पर बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। ये तमाम बड़ी खबरें इस वक्त की बैठक से विपक्षी एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश होगी। दोपहर करीब 3:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक होने वाली है और बैठक में शामिल हो सकते हैं 19 विपक्षी दल। 2019 चुनाव के लिए महागठबंधन पर चर्चा भी संभव है। सोनिया और राहुल गांधी भी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन को जरूरी बताया है। इस चुनाव के बाद कोई गठबंधन बनने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों जगह जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसके बाद सबको मालूम हो जाएगा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नाम का गठबंधन है, ये चुनाव से पहले ज़रूर चाय पानी के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग ये चुनाव लड़ते हैं। जो आने वाला चुनाव है उसमें जो है एनडीए का सफाया करने के लिए नीति बनेगी, उम्मीदवार तय होंगे, कार्यक्रम बनेंगे और उसके अनुरूप जो है कार्यान्वयन होगा। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र, ये बताइए कौन कौन शामिल हो रहा है, और खबर ये भी है कि कुछ बड़े नेता जो हैं इस महागठबंधन में जिनके के नाम होने की बात की जा रही है वो शामिल नहीं होंगे, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए 3:30 बजे ये बैठक होगी, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं, ममता बनर्जी आने वाली है, बाकी घटक दल जो भी महागठबंधन में शामिल 18-19 दल उन सभी के नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे देर शाम को। लेकिन सबसे बड़ी बात है यही है कि नंदिता, कि महागठबंधन को लेकर भले ही बीजेपी और केंद्रीय सरकार के कई मंत्री उसे उसके खिल्ली उड़ाते हो, माखौल उड़ाते हो, लेकिन आप देखिए कि धरातल पर महागठबंधन दिखने लगा है। आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महागठबंधन बन चुका है। चंद्रबाबू नायडू जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को, वो जहाँ कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है वो हुआ। चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस एक मंच पर आ गए और दोनों राज्यों में दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गठबंधन तय माना जा रहा है, झारखंड में भी तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में आपने देख लिया, ये 4-5 महत्वपूर्ण जो राज्य थे यहाँ गठबंधन और महागठबंधन एक शक्ल ले लिया। हाँ, महागठबंधन की सबसे बड़ी कमी यही होगी कि नेतृत्व कौन करेगा, किसके नेतृत्व में सभी दल एक सुर में बात करेंगे, ये तय नहीं हुआ और न होने की संभावना है। लेकिन नंदिता एक बात और ध्यान देने वाली बात होगी कि 2003 में यही कहा जाता था कि टीना फैक्टर था, अटल बिहारी वाजपेयी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन सिया गया दिया गया, यानी सोनिया गांधी इज अल्टरनेटिव। 2016-17 तक यही कहा जा रहा था कि मोदी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर 3 राज्यों या 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे अगर सरकार के या बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो रिया फैक्टर हो सकता है, यानी राहुल गांधी इज अल्टरनेटिव, और फिर मजबूरन सारा विपक्ष उनके नेतृत्व में आना पड़ेगा। हालांकि कल इसके नतीजे आएंगे, नतीजे बीजेपी के सभी नेताओं को उम्मीद है कि हम तीनों राज्यों में सरकार बनाएंगे, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये जो फैक्टर है सब खत्म हो जाएगा, महागठबंधन भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वैसे तो कुछ ही घंटों की बात है रविंद्र, कल इस वक्त बैठ के हम लोग नतीजों की बात कर रहे होंगे, लेकिन एग्जिट पोल सामने आए हैं और उसमें कुछ हद तक रियलिटी चेक जरूर हुआ होगा तमाम पार्टियों को। बीजेपी के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात जरूर है, यानी कि चिंता करनी चाहिए बीजेपी को इस महागठबंधन को लेकर।
जाहिर तौर पर देखिए, अगर पार्टी के अध्यक्ष हो चाहे बड़े नेता हो, ये कहते हैं कि अगर गठबंधन होता है महागठबंधन होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखिए ये जमीन पर अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अगर एक धड़े हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। 73 सीटें, 73 बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। हो सकता है कि संख्या कुछ कम हो जाए, इसकी भरपाई की कोशिश की जा रही है। आपने देखिए नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से पश्चिम बंगाल में दांव खेला जा रहा है, उड़ीसा में दांव खेला जा रहा है, साउथ में दांव खेला जा रहा है। यानी सरकार बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर गठबंधन या महागठबंधन बनता है तो इसकी सीटें नॉर्थ में और नॉर्थ में कमी होगी, इसकी भरपाई करने के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है गठबंधन और महागठबंधन। बिल्कुल रविंद्र, ऐसे में हमने एग्जिट पोल की बात करी कि आपको लगता है कि 19 पार्टियों का आज साथ आना और इस बैठक को बुलाना एग्जिट पोल के बाद, और जब थोड़ी सी रियलिटी दिख रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो बाजी मार जाए, तब ये ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं आपस में सारे विपक्षी दल? देखिए पोस्चरिंग होता है, पोस्चरिंग करना बहुत जरूरी होता है राजनीति में, और वही करने की कोशिश की जा रही है। जो एग्जिट पोल है जाहिर तौर पर आपने देखा कि राजस्थान में अभी से ही वहां पर कांग्रेस के जीत के दावे किए जा रहे हैं, पोस्टर दिखाई देने लगे। यानी लग रहा है विपक्षी दलों को कि 3 राज्यों में या 5 राज्यों में जो नतीजे होंगे ये गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। अब जो बैठक हो रही है ये शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ ये संसद सत्र को लेकर, ये पहला पूर्णकालिक अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा लोकसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी खासकर राज्यसभा में कि सरकार खिलाफ एक सुर रहे पूरा गठबंधन महागठबंधन जो विपक्षी दलों का है, और उसके बाद आगे चले। अगर संसद के सत्र के अंदर सारा एक सुर में बात करेंगे तो इसका प्रभाव आगे जाकर चल गया, जनता के बीच में भी लगेगा कि हाँ एक अल्टरनेटिव तैयार हो रहा है, भले नेतृत्व न हो लेकिन एक गठबंधन तैयार हो रहा है। और इसी को दिखाने की कोशिश की जा रही है इस महागठबंधन में। चंद्रबाबू नायडू आए हैं, ममता बनर्जी, सारे बड़े नेता उसमें शरीक होंगे और सिर्फ दिखावा करेंगे कि हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। बिल्कुल, अमित प्रकाश भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, यही दिखाने की कोशिश आज होगी कि नेतृत्व का जो मसला है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम एकजुट हैं और आपको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। देखिए सही बात है, ये बात बहुत दिनों से, और महागठबंधन जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती रही, और हम पिछले कुछ बैठकों की बात करें अगर तो चंद्रबाबू नायडू के बाद, अगर कल की बात करें तो एम स्टालिन भी मिले सोनिया गांधी से मुलाकात करके, उनको जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली में देश की सत्ता पानी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और बीएसपी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इस बैठक में वो शामिल नहीं हुई है। लगातार एक बात और भी सामने आती रही है कि इस पूरे महागठबंधन में कांग्रेस को एक बड़े भाई की भूमिका में देखने में बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ऐतराज है, और इसका इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कोई भी गठबंधन कांग्रेस के साथ बीएसपी और सपा ने नहीं किया था। यानी कि वो शुरू से इस बात के लिए मन बना चुके हैं कि अगर वो इस महागठबंधन में रहते हैं तो इसको लेके उनके दिमाग में ये बिल्कुल साफ है कि इसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका इस महागठबंधन में नहीं निभाएगी। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी शामिल हुई हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू से वो नाराज भी हुई थी जब चंद्रबाबू नायडू ने अशोक गहलोत से मुलाकात करके महागठबंधन की एक मीटिंग, एक तारीख तय कर दी थी, जिसके बाद उनको जाके मुलाकात करनी पड़ी थी ममता बनर्जी से कोलकाता में, और उसके बाद उस महागठबंधन की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि एक राय, अगर हम कहें कि एक राय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि वैसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती होगी, कल नतीजे आने हैं 5 राज्यों के चुनाव के, और वैसी स्थिति में आज की ये बैठक और उसके बाद कल से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और तमाम क्षेत्रीय दल जरूर मजबूत होते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि 2004 की बात कुछ और थी, उस वक्त कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आज जिस स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है वैसी स्थिति में क्षेत्रीय दल भी ये बात मानते हैं कि आज अगर कांग्रेस कमजोर है तो इसका फायदा वो उठा सकते हैं, और उसका फायदा वो सीधे उठा सकते हैं कि केंद्र की राजनीति से वो जुड़ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस महागठबंधन की बैठक में नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल रविंद्र, और यहाँ पर जिस तरह की राजनीति चल रही है इस वक्त, तमाम पार्टी का एक एजेंडा ये है कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, बाकी मसले वो सॉल्व कर लेंगे, लगातार वो यही बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर जितने भी क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो जो बीजेपी के खिलाफ में है या एनडीए के खिलाफ में, उनका एक ही मकसद है कि जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी बरकरार है उसकी काट कैसे किया जाए। अकेले कोई भी चुनाव लड़ेगा उसका नुकसान होगा विपक्षी दल को, इसलिए चाहते हैं कि हर राज्य में हर सीट पर एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जाए, जिस सीट पर जिस दल का मजबूत कैंडिडेट हो उसे। लेकिन एक बड़ी कवायद है और अभी समय भी है, ये कोशिश अगर करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती होगी। लोकप्रियता अलग होती है,
धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और होता है, जैसा बार बार कहा जा रहा है कुछ राज्यों में गठबंधन और महागठबंधन का स्वरूप लेने लगा है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं आता है तब भी विपक्षी एकता अगर बनी रहती है दूसरे राज्यों में, तो इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अगर बीजेपी को इनफ सीट्स नहीं मिलती हैं तो फिर से उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि वो कहते रहे कि हमें महागठबंधन से खतरा नहीं है, लेकिन चिंताएं उनकी बड़ी हुई है।